VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग आज का हमारा टॉपिक है और मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है, आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हबीब जी आज हमारे साथ जगदीश जी है और आज से हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे। तो VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। तो बेसिकली ये आपका VB6 नहीं है, VB स्टूडियो नहीं है, क्योंकि इनके जरिए हम एक नया एप्लीकेशन तैयार करते हैं। और यहाँ हम कोई एप्लीकेशन नहीं, हम VBA के जरिए एक्सेल के अंदर में न्यू फीचर्स को डेवलप करते हैं। तो VBA के जरिए हम बना सकते हैं मैक्रोज, हम बना सकते हैं फंक्शंस, हम बनाते हैं यूजर फॉर्म। तो जो मैक्रोज होता है, वो मैक्रोज क्या होता है? मैक्रोज जो होता है वो हमारा एक ऑटो टूल ए होता है, ट्रिगर टूल्स होता है, ऑटो टूल्स होता है, मतलब कि जो जिसके जरिए हम अपनी प्रोग्राम को ट्रिगर करते हैं। एक तरह से इसको ऑटो पायलट कर सकते हैं कि आपके भी आप पे रिकॉर्ड बनाएंगे। और VBA के जरिए जो भी हम बनाते हैं एक्चुअल मैक्रो ही होता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के जरिए हम फंक्शन जो है ये करते हैं, VBA के जरिए अपने लिए खुद के फॉर्मूले तैयार करते हैं। यूजर फॉर्म होता है इंटरफेस, कि अपने लिए कोई ऐसा इंटरफेस या फॉर्म बनाए जहाँ पे यूजर अपने हिसाब से एंट्री डाले और उसको प्रोसीड करें। अब बात कर लेते हैं मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज में क्या डिफरेंस है। तो जो रिकॉर्डिंग, जो व्यू के अंदर आपके पास जो रिकॉर्ड मैक्रो होता है, वो बेसिकली वो भी एक तरह का मैक्रो ही होता है। तो वो भी VBA प्रोग्रामिंग को यूज करता है। जैसे मान लीजिए F1 पे मुझे कुछ टाइप करना है, तो मैं कोड भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा डेवलपर में, विजुअल बेसिक पे, और इंसर्ट करूँगा मॉड्यूल्स, और यहाँ पे लिखूँगा कि सब्जेक्ट M_1 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लिख देंगे रेंज F1.value, हमने यहाँ पे लिख दिया 50। तो इसको रन करेंगे, यहाँ से रन करें चाहे एक्सेल से रन करें, तो यहाँ 50 डाल देगा। इसी चीज़ को हम रिकॉर्ड मैक्रो के थ्रू भी कर सकते हैं। हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे एंड ओके, इस पर कर्सर रखेंगे, 50 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, स्टॉप। तो हमारा जो रिकॉर्ड मैक्रो, जो मैक्रो वन है, उसको भी रन करने से यही वर्क होगा। तो देखिए रिकॉर्ड मैक्रो ने भी VBA लैंग्वेज, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ए भी इसने भी VBA लैंग्वेज को यूज किया है और हमने भी VBA लैंग्वेज को यूज किया है। तो ए अपना सिस्टमेटिक लैंग्वेज यूज करता है, हम अपने हिसाब से जो ज़रूरत होता है वो टाइप करते हैं। तो दोनों ही है। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो एक फीचर है जो कि आपके माउस और कीबोर्ड इवेंट को मैक्रोज में कन्वर्ट करता है। और VBA के जरिए हम भी जब कोड करते हैं वो भी एक तरह का मैक्रोज ही होता है। और दोनों मैक्रोज को हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल कब होता है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम दो केसेस में। जगदीप जी आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, प्लीज रिकॉर्ड कर लें। ऑल प्लस आर, हाँ सही रहेगा। तो मैक्रोज का यूज जो हम करते हैं, हम दो केसेस में करते हैं, रिपीटेड जॉब और लेंथी जॉब। ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा है उनके लिए हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे। क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं बन जाती है, प्रोग्रामिंग के लिए हमें रिसर्च कोडिंग वगैरह करना पड़ता है तब जाके बनती है। तो जो काम आपके लिए डेली बेसिस पे है उसी के लिए मैक्रो बनाएंगे ना। जो काम फर्स्ट टाइम आया उस पर मैक्रो बना के टाइम पास क्यों करेंगे आप? हेलो हेलो बोलिए। नहीं आवाज नहीं आई इसलिए। तो मैक्रोज का यूज होता है रिपीटेड जॉब पे या फिर लेंथी जॉब। जैसे कि कोई ऐसा एक काम आया जो वन टाइम तो है लेकिन काफी ज्यादा लेंथी है, उस पर मैक्रोज यूज करेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। फॉर्मूले का यूज आप खुद के अपने हिसाब से मॉडिफाइड फॉर्मूले का ये कर सकते हैं, या फिर जो फॉर्मूले जो एक माइक्रोज में वर्क हो, एक्सेल में वर्क हो, उसके लिए भी कर सकते हैं फॉर्मूले का इस्तेमाल। तो फॉर्मूला जो हम बनाएंगे वो हम नॉर्मल एक्सेल में इस्तेमाल करेंगे और माइक्रो के भी इस्तेमाल करेंगे।
और जो यूजर फॉर्म होता है वो इंटरफेस के लिए यूज होता है, जैसे पॉपअप वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि माइक्रो का यूज करेंगे किसके लिए। देखिए क्या होता है कि माइक्रो का सिक्योरिटी होता है बाय डिफॉल्ट आपका डिसेबल होता है, जिस कारण से जब भी कोई माइक्रो फाइल आप ओपन करते हैं तो आपसे पूछता है कि डू वांट टू अनेबल माइक्रो का अलर्ट देता है। तो अगर आपने ऐसा माइक्रो ऐसी फाइल पे माइक्रो लगाया है जो 20-25 लोगों को भेजना है, 20-25 लोगों को भेजना है, ऐसे माइक्रो पे आप जो है वीवी यूज ना करें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को माइक्रो के बारे में पता ना हो, कुछ लोगों को माइक्रो के बारे में पता ना हो, तो वो लोग क्या होगा जब फाइल ओपन करेंगे तो उनसे पूछेगा अनेबल माइक्रो सिक्योरिटी अलर्ट देगा, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए तो आपको हर किसी को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये आपका एक ये है माइक्रो है प्लीज अनेबल कर लो, तो उन लोगों को भेजना आप अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट इसमें? जो ऊपर एक्सेल के ऊपर एनेबल जो ये आता है ना, वही है ना? हाँ, मतलब कि वो तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अगर माइक्रो यूज कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि हम माइक्रोज बहुत सारे लोगों को भेजना है तो अवॉइड करें, जब तक ज्यादा जरूरी ना हो तब तक माइक्रो ना लगाए। क्या जगदीश जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल जगदीश जी, आवाज आ रही मेरी आपको? म्यूट है, अनम्यूट करेंगे सुन पाऊंगा। हेलो जगदीश जी, आई थिंक मेरी आवाज उनको नहीं पहुंच रही। हेलो, हाँ सर, आप हैं ना सर सिस्टम पे? हाँ हैं सर। तो क्या मैंने बताया आपको कि आप अगर कोई माइक्रो बनाते हैं तो अगर आपको 50-60 लोगों को भेजना है तो ऐसे जीओ पे माइक्रो जब तक जरूरी रहो तब तक अप्लाई ना करें, क्योंकि 50 लोगों में से हो सकता है कि 20 लोग माइक्रो सिर्फ फैमिलियर ना हो। ठीक है, इसलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन कि माइक्रो को इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या क्या चीज रेडी करनी होगी। दो तीन चीज है। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल में जाएं, ऑप्शन पे जाएं और यहाँ कस्टमाइज रिबन में यहाँ से ला दें, पहली चीज। दूसरी, इसकी माइक्रो सिक्योरिटी को आप अनेबल कर लें। अगर माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल नहीं करेंगे तो आपका हर बार माइक्रो को फाइल खोलते अनेबल बुलाया जाएगा, लेकिन जब अनेबल करते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड पोटेंशियली डेंजरस कोड कैन रन। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सेल में माइक्रो लगा है? तो यहाँ पे ध्यान देखिए, अगर आपके पास इस तरह का फाइल आइकन है जिसपे डॉट एक्सलेस एक्स का ऑप्शन आता है, ये आपका नॉर्मल एक्सेल है, इसमें वीवी प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर आपका इस तरह का ऑप्शन है तो वो ये आपका माइक्रो अनेबल वर्कबुक है, इसमें वीवीए प्रोग्रामिंग होने के चांसेस हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वीवीए प्रोग्रामिंग ही होगा, ये कुछ और भी हो सकता है। राइट राइट, उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है एयर। अगर इस तरह का आइकन है इसको बोलते हैं एक्सेल एड इन फाइल। अगर इस तरह का ऑप्शन है तो 100% इसमें प्रोग्रामिंग लगी हुई है, 100% से। इसलिए इस फाइल अगर अननोन है, आपको इस पर विश्वास नहीं है, ऐसी फाइल को ना खोलें, मेरा सजेशन तो यही है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने बैक टू एक्सेल। तो अब हम जो ये हो गई, ये दो चीजें हो गई, उसके बाद फाइल को सेव करना है आपको माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। तो गलती से फाइल अगर एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दी तो ये माइक्रो आपको वर्क नहीं करेगा।
उसके बाद हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। विजुअल बेसिक पे जब भी जरूरी नहीं है कि आपका इंस्टॉल करना है, इसकी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सेल के साथ इनबिल्ड होता है, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करें, क्लिक करते इस तरह का विंडो खुलेगा। इसमें देखिए क्या है कि इसमें आपका जितने भी फाइल खुले होंगे ना सर, उन फाइल का लिस्ट यहां दिखेगा। अब देखोगे सर दो सॉल्वर नहीं है तो ये दोनों एडिंस है, एडिंस का लिस्ट आएगा। उसके बाद आपको यहां पे डिसाइड करना है कि आपको जो प्रोग्रामिंग करनी है वो किस फाइल पे करनी है। अब दूसरी चीज ये है कि ये फाइल लिस्ट कभी कभी नहीं आएगा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। अगर एक मान लीजिए किसी ने हटा दिया है, नहीं है, तो यहां से आप ला सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर और इसका शॉर्टकट होता है F4। यहां भी ना मिले तो आप व्यू में जाकर ला सकते हैं। तो दो चीज नेविगेट करने के लिए चाहिए। तो जैसे ये इसको एक्सपेंड करोगे यहां आपको दिखेगा। अब बात आती है कि आप कोड कहां करें, क्या C1 पे डबल क्लिक करके कोड करें या C2 पे या C3 पे। देखिए जो कोड हम बेसिकली करते हैं वो इंस पे नहीं करते, क्योंकि अगर मान लीजिए C1 पे आपने कोड किया तो C1 के प्रॉपर्टी के साथ सेव हो जाएगा। जैसे ही C1 डिलीट हुआ, ये भी अपने आप को डिलीट कर, आपका कोड डिलीट हो जाएगा। तो बोलेगा सर दिस वर्कबुक में कर लें, तो इसमें एक ही प्रॉब्लम नहीं है, एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपने अगर कोड किया है दिस वर्कबुक में चाहे सीट में, तो दूसरे फाइलों से जो है इसका लिंकअप करना मुश्किल होता है। मतलब कि नेविगेट करना, दूसरे फाइलों का रेफरेंस लेना, वो एक्सेप्ट नहीं करता, एरर देगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम हमेशा मॉड्यूल्स में करते हैं। तो मॉड्यूल कैसे इंसर्ट करें, यहाँ इंसर्ट पे जाएं, मॉड्यूल को सिलेक्ट करें और इंसर्ट करें, तो ये आपका मॉड्यूल 1, 2 इस तरह से आ सकता है। एक मॉड्यूल में कई सारे माइक्रो बना सकते हैं, क्योंकि जो कोडिंग करेंगे हम वो किसी माइक्रो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक माइक्रो क्रिएट करना होगा, और माइक्रो क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे पब्लिक सब से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ सिर्फ सब से भी शुरू कर सकते हैं, पब्लिक देना जरूरी नहीं है। तो सब माइक्रो का नाम, राइट, जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट और ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंड रिप्लेस करें, तो एक माइक्रो डिक्लेयर हो गया। अब एक्सेल फाइल में आप जाएंगे और माइक्रोज में जाएंगे तो ये आपका टेस्ट का लिस्ट में, आपको माइक्रो लिस्ट में टेस्ट आ जाएगा जहां से आप इसको रन कर सकते हैं। अब जो भी प्रोग्रामिंग लिखनी है हमें इस सब और एंड सब के बीच में लिखनी है, इससे बाहर नहीं लिखनी है। बाहर अगर लिखोगे फिर उसके लिए आपको अलग माइक्रोज बनाने पड़ेंगे। तो जब तक आप सब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करते हो तब तक प्रोग्रामिंग नहीं करना है, और जब सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया उसी के बीच में आपको प्रोग्रामिंग करनी है। अब माइक्रो का नेम जो डिफाइन करते हैं इसमें भी एक कंडीशंस है, जैसे मान लीजिए टेस्ट टूडे, अब ये माइक्रो नेम सही है। अगर इसके बीच में स्पेस डाल दिया तो एक गलत होगा, डॉट डाल दिया, डैश डाल दिया, मल्टीप्लाई डाल दिया, डिवाइड डाल दिया, किसी भी तरह के स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा सिवाय अंडरस्कोर का, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन यहाँ देख लिया कि नाम जो है आपका एक नाम के दो माइक्रो, जब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और माइक्रो बनाना चाहता हूँ तो सब, तो मुझे यहाँ पे एक नाम के दो माइक्रो नहीं बना सकता, ठीक है। एक नाम के एक फाइल के अंदर दो माइक्रो नहीं हो सकता, अलग अलग फाइलों में हो सकता है लेकिन एक फाइल में नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें आप जो है 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया Raj1, एक गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम Raj1 को सिलेक्ट करेंगे तो रन नहीं होगा, ये Raj1 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि Raj1 नाम का ऑलरेडी हमारे पास सेल एड्रेस है। इसलिए अगर आपको Raj1 देना है तो इसके बीच में अंडरस्कोर लगा दीजिए। क्लियर है, क्लियर। आपको डाउट है बीबी जी कोई इसमें? नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरह का आप जो है माइक्रो डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट।
अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में जानना जरूरी है कि टाइप ऑफ माइक्रो क्या होता है। देखिए अभी जो हमने माइक्रो बनाया है, चाहे रिकॉर्ड किया हो या खुद से बनाया है, उनको मैं यहाँ कहीं भी रन कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए रन हो सकता है, मैं दूसरे फाइल में से मान लीजिए एक और फाइल खुला है मेरे पास बुक से, यहाँ पे ये है आपका ऑल लीड करके खुला हुआ है, मैं इस पर भी जाऊँगा डेवलपर के माइक्रोज में, मुझे यहाँ भी इसका माइक्रोज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस अपने माइक्रो को रन कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये फाइल जिसमें माइक्रो रिकॉर्ड हुआ है या आपने जो कोड किया है वो फाइल ओपन होना चाहिए। अगर वो फाइल ओपन नहीं है तो आपको दिक्कत होगा, समझ गए, आपका लिस्ट में नहीं आएगा। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको समझना होगा टाइप ऑफ माइक्रो। बेसिकली माइक्रो जो है तीन तरह के होते हैं, पब्लिक माइक्रो, जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है डिजाइन किया है इसको पब्लिक माइक्रो कहा जाता है, क्योंकि ये आपके फाइल की प्रॉपर्टी, जो माइक्रोज दिख रहे हैं ये आपके फाइल के प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर होते हैं, जहाँ जहाँ फाइल आपका ट्रेवल करेगा वहाँ वहाँ आपके माइक्रो भी ट्रेवल करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ आपका फाइल ट्रेवल करेगा वहाँ वहाँ ये माइक्रो भी आपका ट्रेवल करेगा। नहीं सर, नहीं समझाओ। नहीं समझे, जैसे कि ये बुक सेवन मैंने जिग्नेश जी को सॉरी जगदीश जी को दिया, तो ये बुक सेवन जगदीश जी भी यूज कर सकते हैं, समझे? ओके सर, मतलब कि ए फाइल जगदीश जी को भेजूं या ललित जी को भेजूं, हर कोई इसका माइक्रो यूज कर सकता है। ओके, क्योंकि ये माइक्रो इसी फाइल के अंदर स्टोर है और पब्लिक माइक्रो है, हमने पब्लिक माइक्रो बनाया, तो पब्लिक माइक्रो माइक्रो के साथ ट्रेवल करती है, फाइल के साथ ट्रेवल करती है। और दूसरा, हम पब्लिक माइक्रो को किसी भी फाइल पे रन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फाइल पे, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस फाइल में मेरा माइक्रो रिकॉर्ड हुआ है या कोड हुआ है वो माइक्रो वो फाइल आपका ओपन होना चाहिए। अगर फाइल वो क्लोज है तो लिस्ट में आपको माइक्रो नहीं दिखेगा। मैं बुक सेवन को अगर क्लोज कर दूं तो ये तीन माइक्रो मुझे दिखेंगे ही नहीं। सर आगे बढ़ा रहे हो क्या? जी हाँ, छूट गया मेरा, तो क्या बताया सर? ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर लिया है, मैं आपको भेज दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ टाइप ऑफ माइक्रो कि माइक्रो के कितने टाइप होते हैं जी। तो पहला होता है पब्लिक माइक्रो, तो पब्लिक माइक्रो फाइल के साथ सेव होता है, जहाँ जहाँ फाइल जाता है वहाँ वहाँ आपका ट्रेवल होता है। अगर वो फाइल सेव ओपन है, जिस फाइल में माइक्रो रिकॉर्ड की गई है कोड की गई है, तो आप किसी भी फाइल पे उसको रन कर सकते हो, किसी भी ओपन फाइल में इसको रन कर सकते हो। अब इससे एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, जैसे मान लीजिए मुझे एक कमांड बनाना है हाईलाइट ग्रेटर देन 50 का, राइट जी। अब मैंने बना लिया, रिकॉर्ड कर लिया बुक सेवन में, अगर मैंने बुक सेवन को क्लोज कर दिया और मैं बुक फाइव पे मुझे इस माइक्रो को यूज करना है, तो बुक फाइव पे तो हमारा माइक्रो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि लिस्ट में ही नहीं आएगा, क्योंकि बुक सेवन बंद हो चुका है ना जी सर। क्योंकि पब्लिक माइक्रो तभी दिखेगा जब आपका जिस फाइल के अंदर माइक्रो है वो ओपन हो, अगर फाइल क्लोज तो माइक्रो क्लोज जी सर। तो उसका सोल्यूशन, दो सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन है पर्सनल माइक्रो, पर्सनल माइक्रो और एरियंस। तो जिसे आप रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड करते समय ही यहां पे स्टोर माइक्रो इन, इस पे अगर आपने पर्सनल माइक्रो सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा कि आपकी जो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है ये किसी फाइल के अंदर स्टोर नहीं होगा सर जी। कहां से स्टोर होगा?
वो आपके ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होगा, समझे? और हर फाइल के साथ आपका जब भी कोई नई फाइल ओपन करेंगे, पुरानी फाइल ओपन करेंगे, माइक्रो में जाएंगे तो वहाँ वो लिस्ट में आपका पर्सनल माइक्रो दिखेगा। मतलब कि आपको माइक्रो रन करने के लिए अपनी कोई भी फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्सनल माइक्रो आपके एक्सेल के एक कमांड की तरह हो जाएगा। हर नया पुराना फाइल पे उसको ईजिली रन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि इसको मॉडिफाई करना और इस पर एडिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम एडिंस बताते हैं कि आप पब्लिक माइक्रो को ही एडिंस में कन्वर्ट करके और अपने एक्सेल में, एक्सेल के फाइल में ऑप्शन में एडिंस होता है, इसको यूज करें। आगे क्लास में आपको समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है इवेंट माइक्रो। अब इवेंट माइक्रो क्या होता है जानिए, जो नॉर्मल माइक्रो आप बनाते हैं यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रो पर जाके जब नॉर्मल माइक्रो आप क्रिएट करते हैं तो नॉर्मल माइक्रो में क्या होता है कि जब आप चाहोगे तभी, जैसे मान लीजिए ना ये हमारा राज वन है, मैं जब चाहूँगा तभी मैं इसको रन कर सकता हूँ, ये अपना आप रन नहीं होगा, ठीक है। मैं बटन पे क्लिक करूँ या शॉर्टकट क्लिक करूँ, शॉर्टकट दबाऊँ तभी ये रन होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा माइक्रो मेरे किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पर रन हो जाए, जैसे मैं सीट फोर में जहां भी क्लिक करूं कलर हो जाए, मैं कलर करने का जो माइक्रो है वो मेरे क्लिक करते ही रन हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे, यहां राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाऊंगा, सॉरी यहां व्यू कोड, और यहाँ पे हम अपना लोकेशन और आपका अपना इवेंट सेलेक्ट करके अब प्रोग्रामिंग जो करेंगे यहाँ पे करेंगे। ये हमारा होता है इवेंट माइक्रो और प्राइवेट माइक्रो, दोनों इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कोड कर दिया कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अब मैं जहां भी क्लिक करूंगा वो देखिए रेड हो जाएगा, ये कहलाता है हमारा इवेंट माइक्रो। अब इसका यूज कहां कहां होता है देखिए, पब्लिक पर्सनल माइक्रो यूज एडिंग्स का यूज जब करते हैं, जब आप मान लीजिएगा आपने 100 200 500 फॉर्मूले बना रखे हैं और चाहते हैं आपको हर फॉर्मूले हर फाइल में फॉर्मूला अप्लाई हो जाए तो इसका यूज कर लेंगे, या किसी को देना है आपको तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इवेंट माइक्रो यूज होता है जैसे कि डबल क्लिक करने पे वर्क हो जाए, सीट ओपन होते ही पासवर्ड पूछे, एक्सेल फाइल आपको भेजने के बाद लॉगिन आईडी में पासवर्ड पूछे, या एक्सेल फाइल आपके सिस्टम में 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाए, या फाइल ओपन होते ही एक माइक्रो ऑटोमेटिकली वर्क हो जाए, इस तरह के इवेंट के लिए हम इवेंट माइक्रो यूज करते हैं कि मैं कोई काम करूँ, कोई चीज़ मैं कोई ऐसा इवेंट करूँ या एक्शन को फॉलो करूँ, मेरा माइक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाए। अब चलिए प्रोग्रामिंग में चलते हैं बैक टू। तो हमने मॉड्यूल्स के अंदर हमें प्रोग्रामिंग करनी है, हमें सब्जेक्ट क्लियर करना बता दिया। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहला कोड रखें तो क्या रखें, सबसे पहला कोड राइट। देखिए कोई भी कोड स्टार्ट होती है चार से, पहला हमारा एप्लीकेशन, दूसरा हमारा आता है वर्क बुक्स, तीसरा आता है सीट्स, चौथा आता है रेंज, ठीक है। तो यहां पे एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट्स एंड रेंज, तो चार मेन ऑब्जेक्ट है, समझिए कि इन चारों पे ही आपका वीवी का गाड़ी पहिया चलता है, ठीक है। ठीक है, अब इन चारों में से कौन कौन से ये चीज, मतलब कि कौन कौन से कौन कब यूज होंगे, ये डिपेंड करता है आपके एल्गोरिथम पे। अब एल्गोरिथम क्या होता है देखिए, क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का बेसिकली कुछ स्टेज है। सबसे पहला स्टेज होता है एनालिसिस,
मतलब कि आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि आपका प्रॉब्लम है क्या। देन होता है एल्गो, उसका एक शॉर्ट वे आप बनाएं, एल्गोरिज्म बोलते हैं उसको। देन आता है कोडिंग, कोड करें। देन होता है आपको टेस्टिंग, प्रॉब्लम हुई तो आपको रीकोड करना है और रीटेस्ट करना है, कब तक, जब तक कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। देन अप्लाई। अब एल्गोरिथम क्या कहता है, देखिए एल्गोरिथम में मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक छोटा सा बनाता हूँ एल्गोरिथम। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ एक फॉर्मेट बनाना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट, मतलब कि मैक्रो को डिक्लेयर किया, फिर बोलता हूँ सेलेक्ट ए वन, मतलब कि हमें नहीं सेलेक्ट ए वन नहीं, मुझे एक क्रिएट करना है, क्रिएट ए न्यू फाइल, और यहाँ पे उस फाइल को हमें सेव करना है, सेव ए बी सी डॉट एक्सलेस एक्स एट ड्राइव ई 2021 फोल्डर, राइट। उसके बाद क्रिएट ए न्यू शीट्स, रिनेम एज ए डेटा, सेलेक्ट ए वन, एंटर नेम, सेलेक्ट वी वन, एंटर सिटी। और सेलेक्ट सी वन, एंटर मार्क्स, मार्क्स कर दीजिए या अमाउंट कर लीजिए मार्क्स, और यहाँ पे एंड। ये हमारा एल्गोरिथम है, अब इसको फॉलो करना है। तो चलिए मैं विजुअलाइजिंग पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे दो विंडो कर लेता हूँ ताकि मैं दोनों को देख सकूँ। अब जो हमारा प्रोग्राम है, मतलब कि हमारी जो कोड है वो लिखना है और डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मॉड्यूल, हमने यहाँ पे मॉड्यूल इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं एक मॉड्यूल में कई सारे मैक्रो बना सकता हूँ, और मैक्रो डिक्लेयर किया सब हमने यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर वन नाम का मैक्रो बनाया। अभी मैक्रो लिस्ट में देखिए टेस्ट अंडरस्कोर वन आ गया, राइट। अब यहाँ पे कहता है स्टार्ट, मतलब कि मैक्रो डिक्लेयर हो गया। दूसरा स्टेप क्रिएट ए न्यू फाइल, अब फाइल किसको इफेक्ट कर रही है, वर्कबुक इफेक्ट कर रही है ना, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि वर्क बुक्स डॉट एड, एड कर लिया। अब बोल रहा है फाइल को सेव करो, फाइल को सेव करो, तो यहां फाइल सेव करने के लिए यहां पे लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक। अब वर्कबुक में लिख लिया, क्या है कि जब फाइल क्रिएट होगी तो जरूरी थोड़ी है कि आपका बुक वन हो, बुक टू, बुक थ्री, बुक फाइव भी हो सकता है ना, तो लेकिन इतना पता है कि फाइल जब ओपन होता है तो वो आपका एक्टिव होता है। तो यहां पर आपको कोड का सिचुएशन भी समझना होता है। देन सेव एज, और यहाँ पे आप अपना पाथ डाल दीजिए कि ई स्लैश 2021 स्लैश ए बी सी डॉट एक्स एल एस एक्स। दूसरा हमारा हो गया। तीसरा क्रिएट ए न्यू शीट, अब जो फाइल एक्टिवेट है वही है, तो शीट क्रिएट करना है तो शीट को इफेक्ट कर रहा है, तो हमें शीट से स्टार्ट करेंगे, तो शीट्स डॉट, और उसको रिनेम करना है न्यू शीट को डेटा से, जो शीट ऐड हुई है वही एक्टिव है, तो यहाँ पे हम एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा। अब बात करते हैं रेंज, मैंने ए वन पे कर्सर रखने की, तो अभी शीट हमारा वही डेटा शीट ही एक्टिवेट है, हमने अभी शीट चेंज किया नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज
ए वन डॉट सेलेक्ट, और जो सिलेक्ट है उसी पे नाम लिखना है, तो जो सिलेक्ट है उसको यहाँ पे कहते हैं सिलेक्शन, सिलेक्शन डॉट जो टाइप करने के लिए हम बोलते हैं वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू नेम। अब स्पेलिंग मिस्टेक है तो देखिए वी वरा नहीं हुआ, तो प्रोग्रामिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि आप स्मॉल लेटर लिखें, वो आपका वर्ड जैसे सही कोड लिखेंगे वर्ड आपका बड़ा हो जाएगा। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे ए वन के जगह पे यहाँ पे बी वन हो जाएगा और नेम के जगह पे हो जाएगा सिटी और ये आपका सी वन। तो एल्गोरिदम हमें मदद करता है अपने कोड को सही तरीके से लिखने में। अब जैसे यहाँ पे देखिए हम वर्कबुक ऐड करेंगे तभी तो सेव करेंगे ना, और हमें शीट ऐड करना कब है, फाइल ऐड करने के बाद। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको एल्गोरिदम बताता है। तो एल्गोरिदम बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग में। तो आप जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाए तो पहले उसको जरूरी नहीं एक्सेल शीट पे, पहले आप नोट पैड में नोटबुक में पेन पेंसिल से एक उसकी ब्लू चार्ट तैयार कर लें कि आपको आखिर करना क्या है, स्टेप्स। ये स्टेप्स जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप अपना कोई रिपोर्ट ऑटोमेट कर रहे हैं तो चलो आपको सब कुछ पता है, दिमाग में है, गलती करोगे तो उसको सही कर लोगे, थोड़ी बहुत गलती करोगे। लेकिन अगर आपने किसी और का बनाया, जैसे मान लीजिए कि जगदीश जी ने आपको ललित जी को दिया कि भाई मेरा ये मैक्रो बना दीजिए आप, अब जगदीश जी को ने बता दिया कि फला 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 काम होता है, ऐसे जाता हूँ ऐसे जाता हूँ ऐसे जाता ऐसे करता हूँ, यहाँ कंडीशन लेता हूँ, आप डेटा लेता हूँ वगैरह वगैरह, अब सारी चीज़ें याद तो नहीं रहेगी। हो सकता है कि हमने कोई चीज़ मिसमैच कर दी, हमने डेटा को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया उसके बाद पिवट लगाना था, हमने पिवट का कोड पहले लिख दिया, डेटा सिलेक्शन बाद में किया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना सर, क्योंकि यहाँ स्टेप्स को फॉलो करना होता है और ये जो रन होता है वो लाइन बाय लाइन रन होता है। तो अगली क्लासेस में हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे है कि इन चारों को हम को पढ़े कैसे। तो फिलहाल हम एप्लीकेशन को छोड़ेंगे, हम वर्कबुक से शुरू करेंगे। तो अब जैसे बेसिक एक्सेल आपने पढ़ा था उसी बेसिक एक्सेल को हम बताएंगे कि भाई फाइल कैसे क्रिएट होगा, सेव कैसे होगा, ओपन कैसे होगा, ये सारे कोड जो है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और कोड लिखने का तरीका समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम।